नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और क्यों इंटरेस्टिंग होने वाली है? वेल, रीज़न सिंपल है। अगर आपको पेट्रोल की प्राइसेस से परेशानी है और अगर आप उसके अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, CNG देख रहे हो या EV देख रहे हो, मेरे पास में आज एक ही ब्रांड यानी कि टिगोर की दो ऑप्शंस अवेलेबल है। ये है टिगोर CNG, वो है टिगोर EV। और हम इस वीडियो से ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा किसके लिए सेंसिबल है, आपकी कितनी रनिंग पे क्या सेंसिबल है, कौन सी गाड़ी के क्या प्रोज है, क्या कौन से, दोनों की हम यहाँ पे बात करेंगे। इस वीडियो में एक खास हेल्प जो है वो मिली है मुझे श्री श्याम टाटा से, जिन्होंने मुझे टिगोर ICNG दी। वो वाली कार टाटा मोटर्स की खुद की गाड़ी है। और साथ ही में ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है जो कि आपको मैं बाद में बताऊंगा, जब हम वीडियो स्पॉन्सर स्किलशेयर की बात करेंगे तब बताऊंगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक से और क्या कुछ चेंजेस हैं उनकी बात करते हैं रेगुलर गाड़ियों से। देखो, आमतौर पर मैन्युफैक्चर जब भी EV बनाते हैं तो ऐसा करते हैं, EV ऐसे दूर से चिल्लानी चाहिए कि मैं EV हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने उसका खास ख्याल रखा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे अलग नहीं लगती है। हाउएवर, स्टिल कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे कि ये कलर सबसे पहले जो कि आपको सिर्फ EV में मिलेगा। उसके बाद ग्रिल जो है उसमें भी आप देखोगे स्लैट्स जो है, ओपन स्लैट जो है वो कम है थोड़े से, और नीचे की तरफ है पर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। काफ़ी सटल जो है ओवरऑल EV है ये भी बता दिया जाता है, और ज़्यादा EV हूँ मैं ये चिल्लाती भी नहीं गाड़ी। यहाँ पे EV की बैजिंग है, ये आपके पास में जो नीचे आप देख पा रहे हैं इनको बोलते हैं अलॉयज, लेकिन ये अलॉयज नहीं है, ये कवर है यहाँ पे स्टील रिम पे। अब स्टील रिम पे जो कवर है इसमें थोड़ा सा एलिमेंट यहाँ टच अलग दिया गया है। जो CNG है उसमें भी अलॉयज नहीं है, अलॉयज सिर्फ पेट्रोल वर्जन में आते हैं जो कि सबसे सस्ता है इनमें से, बट उसमें अलॉयज आते हैं, इसमें अलॉय नहीं आते हैं। और उसमें भी जो है आपको कैप ही दिए गए, बट वो कैप थोड़े से अलग है। इसके बाद में जब आप गाड़ी के अंदर की ओर आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ चेंजेस अंदर की और भी यहाँ पे जो हैं वो दिए गए हैं। स्पेशली यहाँ पे एयर वेंट्स के आसपास देखोगे तो यहाँ पे इंसर्ट्स जो है उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। सीट में जो है ब्लू इंसर्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें थोड़ा सा फर्क है। डैशबोर्ड में भी कई जगहों पे ब्लू इंसर्ट्स, ब्लू टचेस जो है वो वहाँ दिए गए हैं। और ऑब्वियसली जो MID है उसमें भी EV है अलग से, ये तो पता चलता ही है। उसके बाद में पीछे जब आएंगे तो यहाँ पे सेम ही जगह पे जहाँ से CNG फिल होता है वहीं से आपके पास में इलेक्ट्रिक कार जो है वो चार्ज होती है, उसमें किसी भी तरीके का फर्क नहीं है। पीछे की तरफ जब आएंगे तो EV यहाँ मेंशन है, ZipTron यहाँ मेंशन है, जबकि जो टिगोर CNG है उसमें वहाँ पे ICNG मेंशन किया हुआ है जो कि उनका ब्रांड नेम है। अब इन गाड़ियों के अंदर मतलब हुड जो है फ्रंट में उसमें काफ़ी फ़र्क है। मैं आपको हुड खोल के दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या फ़र्क है, क्योंकि उसमें जो है इंजन और ऑब्वियसली मोटर का फ़र्क है, लेकिन पावर फिगर्स का जो डिफरेंस है उसकी भी बात कर लेते हैं। ZipTron मोटर जो है यहाँ पे ये आपके पास में देती है लगभग 74.7 PS की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। कोई भी गियर नहीं है इसमें, जो अंदर ऑब्वियसली एक और चीज़ का फ़र्क है कि गियर नॉब जो है गोल वाला सेलेक्टर आता है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली गियर लीवर आते हैं। प्रॉब्ली MT में नहीं आता CNG, इसी में आपके पास अवेलेबल है। ये जो CNG है इसमें पावर फिगर्स जो है वो दो तरीके से काउंट होते हैं, क्योंकि ये पेट्रोल पे इंजन पे ही बेस है, तो पेट्रोल इंजन जो है उसके वो जब पेट्रोल मोड पे रहता है तब पावर फिगर्स जो है वो जाते हैं 86 PS की, और साथ ही में आपके पास में 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बट जब CNG मोड में चलाते हो तो ये पर्टिकुलर इंजन जो है वो आपको 5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ में जो आता है ये आपको निकाल के देता है 73.4 PS और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो डेफिनेटली पावर और टॉर्क फिगर्स उससे कम है, पावर फिगर्स थोड़े से कम है, टॉर्क फिगर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। चलाएंगे तब और बेहतर बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस, कैसे कैसे चीज़ें फील हो पा रही है, बट अभी जो है वापस उसके अंदर चलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करते हैं जहाँ पे चीज़ों में फ़र्क नज़र आने लगता है बड़ा वाला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं उस स्पेशल चीज़ की जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था। ये पूरी वीडियो जो है एक फ़ोन कैमरा से शूट हुई है, और थोड़ा सा अनयूजुअल है ये इस चैनल पे कि मोबाइल फ़ोन कैमरा से शूट होना, बट इसका मकसद ये दिखाना था कि फ़ोन कैमरास कितने एडवांस हो गए हैं। हालांकि वीडियो रिकॉर्ड करना और फिल्म मेकिंग करना थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, फिल्म मेकिंग एक स्किल है, और अगर आपको ये स्किल सीखनी है तो आप सीख सकते हो वीडियो स्पॉन्सर स्किलशेयर पे। स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ पे आप ढेरों क्रिएटिव स्किल सीख सकते हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो, कुकिंग हो, इलस्ट्रेशन क्लासेस हो, टाइम मैनेजमेंट हो, आप सब कुछ अपने एक ही सब्सक्रिप्शन से सीख सकते हो। मैंने भी कई बार आपको पहले भी जिक्र किया है कि मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव डिज़ाइन जैसे कई स्किल्स जो है मैंने वहाँ पे स्किलशेयर पे सीखी है। और इनफैक्ट अगर आप रील्स वगैरह पे मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि एविएशन कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंट हो गया है, और काफ़ी माइन्यूट स्किल्स जो है वो वहाँ पे मुझे धीरे धीरे पता चलने लगी है। इनफैक्ट अभी मैं कैलेब और नील्स की आईफोन फिल्म मेकिंग की क्लास ले
दे रहा हूँ, और वहाँ भी बहुत सारी बारीकियाँ सीखने को मिल रही है जो कि यूजुअली जब आप DSLR वगैरह से शूट करते हो तो नहीं होती है। फ़ोन कैमरा से शूट करने में थोड़ी सी अलग सेट ऑफ स्किल्स जो है वो रिक्वायर होती है। आपको अगर स्किल शेयर ज्वाइन करना है तो उसकी सालाना सब्सक्रिप्शन भी मात्र 1800 रुपये से भी कम है, शायद क्या हुआ 150 रुपये से भी कम हुआ पर महीना। इतना तो आप चाय समोसा में खर्च कर देते हो। जो पहले 1000 लोग होंगे जो नीचे दिए हुए लिंक से ज्वाइन करेंगे उनको 1 मंथ का ट्रायल फ्री मिलेगा। अब बात करते हैं अंदर बैठ के भैया कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अभी कुछ और चीज़ों की बात करेंगे, बूट स्पेस की मैं बात करूँगा, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो उनकी भी बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं ईवी की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। देखो ये गाड़ी एक बार चार्ज करने पे जो है आपको खर्चा कितना देती है। अगर आप घर पे चार्ज करोगे तो आप मान के चलो कि आपको लगभग 260 से लेके 300, डिपेंड कि आप कौन से चार्जर से चार्ज कर रहे हो, घर पे आपके इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन वगैरह क्या है, तो उस हिसाब से ये 200 से 300 रुपये के बीच का खर्चा मान लो। अगर आप चार्ज करते हो बाहर तो वो खर्चा जो है प्रॉब्ली 300 से 500 के बीच में आ सकता है। अगेन कौन से चार्जर से चार्ज कर रहे हो, कहाँ पे चार्ज कर रहे हो, बट चार्ज करने बाद में चलती कितनी है, एक बार में चार्ज करने पे ये 170 से लेके 210 के बीच में कहीं कहीं चलेगी, डिपेंडिंग कि AC कितना चला रहे हो आप, कितना हार्ड एक्सेलरेशन कितना सॉफ्ट एक्सेलरेशन वगैरह करते हो, उन सब चीज़ों पे। मोटा मोटी अगर हम पकड़ के चलें तो आप ये कह सकते हो कि हर किलोमीटर चलने का ये गाड़ी लगभग 1.7 से लेके 2.1 रुपीज़, मतलब मान लो 2 रुपये एक किलोमीटर में चलती है, ये आपको इसकी यूजुअल रनिंग पड़ गई। अगर आप इसमें मेंटेनेंस वगैरह भी काउंट कर लो जो कि बहुत ही मिनिमल है, अगर आप वो भी काउंट कर लो और अपने सबसे हाईएस्ट साइड में काउंट कर लो तो प्रॉब्ली आप कह सकते हो कि हर किलोमीटर का ये 2.3 से 2.5 रुपये तक की मेंटेनेंस में आपको मिलेगी। तो जैसे कि आप इसको पूरे साल अगर 20,000 किलोमीटर चलाते हो तो आप इस पे जो है खर्च कितना करोगे, वेल आप सिर्फ 25,000 रुपये के आसपास, ₹45,000 के आसपास जो है ओवरऑल खर्च कर दोगे इन टर्म्स ऑफ मतलब कॉस्ट फ्यूल तो क्या मतलब जो चार्जिंग वार्जिंग सब कुछ मिला के। तो ये मोटा मोटी कॉस्ट यहाँ पे आपको ओनरशिप में पड़ने वाली है। अब जंप करते हैं उसमें CNG में। अब बात करते हैं CNG में जो है क्या कॉस्ट ऑफ ओनरशिप रहेगी, कंसिडरिंग आप इसको भी साल के 20,000 किलोमीटर चलाते हो तो ओनरशिप में कितना खर्चा आएगा। CNG का खर्चा, CNG भराने का खर्चा करंटली जो कॉस्ट है उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो आप प्रोबेबली अराउंड लेट से कि 3 रुपीज़ टू 3.5 से 3.5 रुपये पर किलोमीटर जो है आपको यहाँ पे इसका खर्चा आने वाला है। अगर आप मान के चलो मेंटेनेंस वगैरह इंक्लूड ही कर लो तो 3.5 पक्का आएगा। तो उस हिसाब से अगर आप 20,000 किलोमीटर चलाते हो तो खर्चा कितना बैठा, आई थिंक अराउंड 65,000 समथिंग, उससे भी चला गया 70,000 के आसपास जो है वो खर्चा वहाँ पे चला जाता है, जो कि एक अच्छा खासा डिफरेंस है जब आप EV और CNG में यहाँ पे कंपैरिजन करते हो कि भैया यहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000 रुपये के आसपास का आप जो है सेविंग कर रहे हो CNG के साथ में जब आप जाते हो, EV के साथ में जब आप जाते हो तो। बट इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ये गाड़ी जो है ये आप जहाँ पे 9.5 लाख रुपये के आसपास ऑन रोड ले सकते हो टॉप एंड, वो पर्टिकुलर कार जो है वो आपको ऑन रोड आते आते 12,90,000 के आसपास आ जाएगी। अब ये जो डिफरेंस है प्राइस का, ये जो ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपये से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है वो कब तक आप सेटल कर पाओगे उसकी बात है। अभी फ़िलहाल कुछ और चीज़ों पे फोकस करते हैं। इस गाड़ी में आपको बूट स्पेस थोड़ा सा बेटर मिलता है EV में, डिस्पाइट ये EV है, बैटरी पीछे माउंटेड है, इस पर टायर थोड़ा अलग रखा हुआ है, उसके बावजूद बूट स्पेस जो है वो थोड़ा सा बेहतर है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बैटरी नीचे माउंटेड है, अभी तो थोड़ा सा हमने कचरा फैला रखा है यहाँ पे। ये बूट जो है वो 316 लीटर का आपके पास में यहाँ पे, और प्रैक्टिकल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इस पर टायर निकाल दो तो और बेहतर है आपके पास में यूजेज इसका। लेकिन वहाँ पे जो CNG है उसमें थोड़ा सा वीड है, इनफैक्ट डियागो CNG में हमने देखा कि उसमें बूट क्यों दिया है हमें समझ ही नहीं आया, लेकिन यहाँ पे तो जो है बूट स्पेस फिर भी थोड़ा बहुत है, जिसमें आप प्रॉब्ली आपके जो लैपटॉप बैग्स हैं, दो बड़े लैपटॉप बैग्स या कैबिन साइज़ के जो बैग्स होते हैं वो भी शायद दो यहाँ पे आप रख सकते हो। 205 लीटर है कहने को, पर 205 लीटर जैसा कुछ नहीं, हाँ अनलेस आप इसके नीचे वीचे स्लाइड करो तो बात है, नीचे स्पेयर टायर है जो कि निकालना इसमें थोड़ा इजी है। टियागो में तो भाई पूछो मत, मैंने वीडियो बनाई थी टियागो CNG की, उसमें आप देख सकते हो उसमें निकालना अलग महाभारत थी उसमें। एनीवे तो बूट स्पेस के मामले में जो है वो EV जो है थोड़ी सी बेहतर है। ग्राउंड क्लियरेंस जो कि आमतौर पर लोगों को ऐसा रहता है कि EV में तो नीचे बैटरी माउंटेड होती है, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें भी नीचे माउंटेड है। हाउएवर
टू आर सरप्राइज वो ग्राउंड क्लियरेंस उसमें जो है 175 mm की है, इसमें 165 mm की, उसमें 172 mm की है, 7 mm बड़ी है। अब वो देखने में तो उतनी नहीं लग रही है, बट क्योंकि कहा गया है बड़ी है तो बड़ी हम मान लेते हैं। उसके बाद में कर्व वेट ऑब्वियसली इस गाड़ी का थोड़ा सा ज़्यादा है, आपके पास में 110 किलो ये हैवी हो जाती है CNG के मुकाबले। लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी बात जो है वो अब आती है कि दोनों गाड़ियों को चलाने में क्या फ़र्क है, चलाने में जो डिफरेंसेज है वो कितने एविडेंट है, क्योंकि स्पेस वगैरह तो दोनों में सेम है अंदर की, और बूट का मैंने आपको बता दिया, बाकी स्पेस सब सेम है। चला के देखते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा एसी में इसका कम करता हूँ, और एसी की बात आएगी तो अभी बता दूँ कि एसी थोड़ा सा सीएनजी का ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू जो ईवी है उसका। बाकी मोटा मोटी चीज़ें सब सेम ही दिखती हैं अंदर, कुछ ऐसा खास बड़ा डिफरेंस जो है वो नहीं नज़र आता है कोई। NVH ऑब्वियसली ईवी के ज़्यादा बेटर है, तो वाइब्रेशन काफ़ी करती है एक्चुअल में। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस, देखो परफॉर्मेंस जो है वो ऑन पेपर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर जरूर है, टॉक उसमें ज़्यादा है ईवी में, बट यहाँ पे ईवी जो है इसको चलाने के मामले में शहर में जब आप चलाते हैं तो थोड़ा सा इंजन में ऐसे ही स्ट्रगल सा महसूस होता है। ये मिड मतलब जिन शहरों में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं उन शहरों में तो आपको इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप फ्रीक्वेंटली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी चलते हो और 2-3 लोग हो गाड़ी में तो पिकअप वगैरह करने में थोड़ा सा इशू जो है वो आपको यहाँ पे ज़रूर रहता है। उसके अलावा अगर ऐसा है कि आपकी गाड़ी जो है वो मोस्टली हाईवेज वगैरह पर चलती है तो भी आपको CNG जो है वो थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि यार इसमें पावर वगैरह की कमी जो है वो आपको फील डेफिनेटली होती रहेगी। अभी ये पेट्रोल पे चल रही है, CNG पे जब चलती है तो हल्का सा वाइब्रेशंस और ज़्यादा है, थोड़ी सी पावर में ड्रॉप है, बट इतना कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जो कि आपको फील हो पाए। हाँ, इसकी गाड़ी के बारे में बात ही अच्छी है कि इन कंपेरिजन टू अदर CNG कार पेट्रोल और CNG में जब आप स्विच करते हो तो पावर में उतना कुछ खास फर्क नज़र नहीं आता है, कोई ड्रॉप नज़र नहीं आता है। और साथ ही में आपको जो है ये CNG पे स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि पहले पेट्रोल पे स्टार्ट करो, ये वो सीमलेस स्विच है, आप मतलब CNG में स्विच करना है तो करो, इधर से नहीं करना है तो मतलब यहाँ पे बंद रखो, सब कुछ जो है वैसे हो जाता है। ये जो टाइम आ रही है ये स्विच करने की है कि अभी गाड़ी जो है पेट्रोल पे स्विच हो गई। तो ओवरऑल CNG की परफॉर्मेंस जो है वो डिसेंट है, अगर आप सिर्फ कम्यूट करने के हिसाब से देख रहे हो, 2-3 जने ही बैठते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलरली 4 लोगों के लोड के साथ में बैठते हो और आपको यूँ रहता है कि नहीं भैया यूजुअली गाड़ी में कोई हैवी सामान भी रहता है और मुझे थोड़ा सा भी जो है वो नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपनी गाड़ी चलाते हुए परफॉर्मेंस से, तो आपको फिर ईवी की ओर देखना चाहिए। ईवी में भी काम कोई ताबड़तोड़ नहीं है, लेकिन जब स्पोर्ट मोड में डालते हो तो ऐसी परफॉर्मेंस है भाई कि आप कोई मतलब लथार्जिक पना जो आम तौर पे टिगोर के जितने भी इंजन रहे, चाहे CNG वाला ले लो, सिर्फ पेट्रोल वाला ले लो, पहले डीजल आता था वो ले लो, कुछ भी ले लो, उन सबसे बेहतरीन है। NVH सबसे कम है यहाँ पे क्योंकि इंजन नहीं है, हालांकि फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं से वाइब्रेशन उठ के आ जाते हैं इसमें और थोड़े से जो है नॉइज़ आपको रोड की ज़्यादा मिलती है, तो वो सब चीज़ें ज़रूर एग्जिस्ट करती है, पर उसके बावजूद इसको चलाने में जो है थोड़ा मज़ा है जो कि बाकी सारी टिगोर में मिसिंग है। यहाँ पे आपके पास में जो है 170 Nm का टॉर्क जो है प्रॉपर्ली वो कमाल काम करता है, और क्योंकि आपको कोई पावर बैंक जैसी चीज़ नहीं है, जब टैप करोगे तब वो आपको मिलने लग जाता है, तो उस वजह से प्रॉपर्ली अच्छा लगता है, या जो भी रीज़न रहा हो आपको चलाने में करना है, ओवरऑल मज़ा तो आता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके का सेंस जो है वो ओवरऑल चीज़ें बनाएगी ईवी अगर लेना होगा तो। मेरे ख्याल से तो मतलब अगर आपकी रनिंग, अगेन मतलब सॉर्टेड वे में बताऊं तो अगर आपकी रनिंग जो है वो मतलब ऐसे मान लो कि हर साल 20-22-25 हज़ार किलोमीटर ज़्यादा है, और 20-22-25 हज़ार किलोमीटर की है तो आपके लिए सेंसिबल है। भले ही CNG को आप देखो ओवर द टाइम वो महंगा भी पड़ता जाता है, लेकिन फिर भी जो है वो अगर आपकी रनिंग महीने की 1500-2000 है के आसपास है, या साल की 15,000-20,000 है, तो स्टिल आपको CNG जो है वो ज़्यादा लॉजिकल रहेगा, हर मायनों में कॉस्ट इफेक्टिव वगैरह भी रहेगा। उस पर ज़्यादा रनिंग की उम्मीद मत करिएगा, ऐसे मत उम्मीद करिएगा कि वो इंजन कोई 1-1.5-2 लाख किलोमीटर चल जाएगा, उतने में तो इंजन में काफ़ी बुरी हालत में हो जाते हैं। 3 सिलेंडर इंजन से है, उतनी ज़्यादा कुछ टाटा के इंजन से हमने ज़्यादा कुछ लॉन्गिटिविटी देखी भी नहीं है, तो उस वजह से ज़्यादा लाइफ की उम्मीद मत कीजिएगा। यहाँ पे भी ओवर द टाइम जब लाइफ कम होगी, मतलब उम्र बढ़ेगी, तो उसके बाद में बैटरी की लाइफ जो है वो कम होगी, बैटरी प्रॉब्ली रेंज कम देने लगेगी, बट फिर भी आपको टाटा जो है 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर फिर 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी जो है वो तो यहाँ पे दे ही रहा है। तो ये बातें जो है मोटा मोटी यहाँ पे आपके पास में है CNG और EV के बारे में, और ऐसे ऑप्शन हमारे पास में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है अभी, जो कि बॉर्न ICE और फिर EV आ गया है और दोनों अवेलेबल हो और CNG में अवेलेबल हो और कंपैरिजन कर दें, बट आई थिंक मोटा मोटी ख्याल तो दोनों में सेम ही रहेंगे CNG और इलेक्ट्रिक के, अनलेस कोई इलेक्ट्रिक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो तो उसको लेने का ज़्यादा सेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ZCV जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी पावर के साथ में आने वाली EV है, तो
उसके लिए फिर और ज़्यादा एडवांटेजेस वहाँ पे होने लग जाते हैं। और उसी के कंपैरिजन में आप मान लो कि किसी गाड़ी में सीएनजी लगा दो 25 लाख की किसी गाड़ी में, आजकल लोग एक्सयूवी में लगाने लगे सीएनजी, एक्सयूवी में सीएनजी आप लगा दो तो फिर वो कैसे रहता है, वो कंपैरिजन शायद यहाँ पे वैलिड ना हो, मतलब इस वाले कंपैरिजन के हिसाब से वो चीज़ें वैलिड ना हो। बट मोटा मोटी 10 से 15 लाख के बजट में ही लोग जो है ईवीज के हिसाब से देखते हैं और सीएनजी के हिसाब से देखते हैं, उसके आगे में सीएनजी आमतौर पर लोग सोचते नहीं है सीएनजी लगवाने का। तो जी बात ऐसी है कि कंक्लूजन क्या है। वेल कंक्लूजन ये है जो कि मतलब बेसिकली आपको अपने हिसाब से कंक्लूजन समझ में आ चुका होगा, मैं मेरा कंक्लूजन यहाँ पे देता हूँ। अगर आपकी रनिंग साल की लेट्स से 10,000 से लेके 12-13,000 के आसपास है तो इन दोनों गाड़ियाँ आपके लिए नहीं है, आप पेट्रोल के साथ में जाइए। अगर आपकी रनिंग साल की 13-14,000 से लेके 18-19,000 किलोमीटर है पर हर साल तो आप आई थिंक फिर सीएनजी जो है वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे। बट अगर आपकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा है, लेट्स अज्यूम कि आपकी रनिंग साल की जो है 20,000 से 25,000 किलोमीटर जाती है, उस सिचुएशन में आई बिलीव फिर आपके पास में जो इलेक्ट्रिक है वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन है। रीज़न सिंपल है क्योंकि इलेक्ट्रिक ओवर द टाइम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को जो है धीरे 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 कम करता रहता है, वेल सीएनजी जो है उसमें इनिशियली आप कम पैसे देते हो बट जैसे जैसे ज़्यादा किलोमीटर चलने लगता है तो आप वहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा खर्च करने लग जाते हो। वेल पेट्रोल जो है उसमें ऑब्वियसली सीएनजी से थोड़ा मेंटेनेंस तो कम होगा लेकिन पेट्रोल की प्राइसेज अपने आप में इतनी महंगी है कि उसकी वजह से और ज़्यादा कम रनिंग है तो पेट्रोल सेंसिबल है। तो मेरे ख्याल से ये मेरा कंक्लूजन है। हाउएवर अगर आपका बजट 12-13 लाख रुपए है और आप टिगोर ईवी की सोच रहे हैं क्योंकि आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर नेक्सॉन ईवी में क्या बुराई है, 1 लाख रुपए और देखें वो भी सोचिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगले वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में दी गई स्किल शेयर की लिंक चेक करना ना भूलें।